ईपीएसई 144 इंट्रोडक्शन टू साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया का परिचय जो है, इसका आज जो आपकी बुक रहेगी इसका आज का हमारा क्या है चैप्टर नंबर 8 रहेगा, या कह लीजिए भाई यूनिट नंबर 8 क्या है, दक्षिण एशिया में प्रवास यानी माइग्रेशन हम जिसे कहते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है जब हम एक स्थान से जा करके दूसरे स्थान पर रहने लग जाते हैं। भाई ये बिहार से लोग निकल के क्या कर रहे हैं, दिल्ली में आके बस रहे हैं। बल्कि हमें यहाँ पर दूसरी प्रकार का माइग्रेशन पढ़ना है। कहने का मतलब है अगर मैं साउथ एशिया में अगर मैं माइग्रेशन की बात करूँ तो आप सब लोग बहुत सारा लोग देखते होंगे भैया कि पाकिस्तान के बहुत सारा फिल्म वाला लोग है भारत में आकर पहले फिल्म बनाता था, अब तो थोड़ा दिक्कत हो गया इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, नहीं तो आते थे ना पाकिस्तान के स्टार यहाँ कर फिल्म में काम कर रहे थे। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ भाई बहुत सारे बांग्लादेश के लोग भारत में आकर के रोटी रोजगार कर रहे हैं, बांग्लादेश तो थोड़ा नहीं उतना नहीं आप समझ पाएंगे, लेकिन एक कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा भारत में आकर के काम करते हुए नेपाल, नेपाल के लोग आके चौकीदारी कर रहे हैं हमारे देश में, खाना बना रहे हैं, खाना बनाने में उनका कोई भाई सानी नहीं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। रोहतक वोहतक में बताऊँ तो ज़्यादातर तो नेपाली ही आकर के यहाँ पर, अगर मैं बताऊँ जितने भी खाना बनाने में और जितने भी यहाँ पर दुकानें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ, तो उसको भी आप एक माइग्रेशन की नज़र से ही देख सकते हैं, यानी पलायन ही भाई, नेपाल से निकल के लोग भारत में आ रहे हैं, इस प्रकार का पलायन ही है। तो हम यहाँ पर साउथ एशिया में जो पलायन हो रहा है, सॉरी दक्षिण एशिया में जो पलायन हो रहा है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे उन्होंने नोट में दिया है इंग्लिश शब्द माइग्रेशन जहाँ सकारात्मक रूप से लाया गया शब्द वह हिंदी में प्रवास किया जाता है, यह नकारात्मक रूप में पलायन शब्द का उपयोग किया, यानी कह रहे हैं कि जो माइग्रेशन शब्द है इसका जो मतलब है अगर हम इसका पॉजिटिव अर्थों में लेते हैं तो हम वहां को और क्या बोलते हैं प्रवास, और अगर हमें नेगेटिव रूप में यूज करना है तो हम उसको क्या बोलते हैं पलायन। देखो शब्द के मतलब बदल जाते हैं, अगर भाई सकारात्मक अच्छे लिए बोलना है तो बोलेंगे भैया प्रवास कर रहे हैं, और नेगेटिव में बोलना तो बोलेंगे पलायन कर रहे हैं। अगर इसका तो और भी हिंदी में अगर मैं तो जैसे पलायन का मतलब भाग जाना ही होता ना, पलायन करके भाग गए या भाग जाना उसका भी मतलब ही होता है। तो मैं माइग्रेशन को हम देखेंगे यहाँ पर माइग्रेशन क्या है। तो सबसे पहले अगर आप इसमें जो रहेगा आपका प्रवास यानी माइग्रेशन और विकास के क्या आयाम है भाई, ठीक है, प्रवास और माइग्रेशन के क्या आयाम है, हमें आयामों को पढ़ना पड़ेगा, आर्थिक आयाम, राजनीतिक आयाम, सामाजिक आयाम, ये तीन आयाम इंपॉर्टेंट रहेंगे, 8.5, 8.6 और 8.7 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और 8.3, 8.4, 8.8 अगर मैं बोलूं तो प्रवास और विकास के बीच संबंध 8.3 वाला रहेगा, 8.4 हमारा अगर प्रवास माइग्रेशन और विकास के आयाम ये हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा रहेगा आर्थिक आयाम, राजनीतिक और सामाजिक आयाम, इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में आज हमें इस क्लास में पढ़ना है। एग्जाम में भी वही चीज़ें आएंगी जो मैंने आपको बोला है, वही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा हमारा जो रहेगा 8.3 में देखिएगा प्रवासियों और विकास, प्रवास और विकास के बीच संबंध क्या भाई, प्रवास और डेवलपमेंट के बीच क्या संबंध है, देखिएगा प्रवास और विकास एक जटिल संबंध साझा करते हैं, यानी कहने जो प्रवास और जो विकास है इनके बीच में बहुत जटिल संबंध है, ठीक है। जीवन की बेहतर संभावनाएं खोजने के लिए लोग आवाजाही करके जीवन स्तर में सुधारने की मदद करते हैं, कह रहे हैं कि भाई प्रवास और विकास के बीच बहुत जटिल संबंध। जैसे मान लो कि तुम, अगर मैं सिंपल सा बोलूँ, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, बिहार में रह रहा है, वो सोचता कि भाई मैं अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लूँ या कुछ उन्नति कर लूँ या कुछ और कर लूँ, बेहतर मुझे मौका मिलना चाहिए, तो लोग क्या होंगे दिल्ली चले जाएंगे, आ जाते हैं ना बेहतरी के लिए। सिर्फ बार बार आप सोचोगे बिहार का ही एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ, और भी राज्यों का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और भी जगहों से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं भारत की बात करता हूँ, हमारे देश में भाई जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ रहे हैं और बड़ी बड़ी भारी भरकम पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं भारत में नहीं रहते हैं बल्कि विदेश में जाकर के आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई कैलिफोर्निया में लगा है, कोई अमेरिका में काम कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, यानी उनको लगता भैया कि हमने भारत में तो पढ़ाई कर लिया है लेकिन मुझे जीवन बेहतर के लिए, अच्छे नौकरी के लिए, अच्छे रोजगार के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा आवाजाही के लिए, यानी अपने जीवन स्तर में सुधार करने के लिए वो क्या करते हैं भाई दूसरे देश में चले जाते हैं। आपने सबने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग इस देश में बहुत सारी उन्होंने पढ़ाई है कि दूसरे देश में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, अमेरिका और दुनिया भर के देशों में ना,
ठीक है, एक गतिविधियां नए अवसरों को उत्पन्न करने के साथ साथ नए क्षितिज और विचारों का विस्तार करती हैं। यानी कह रहे हैं कि जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं अपने विकास के लिए, सिर्फ आप विकास नहीं होता बल्कि उसमें अगर मैं बोलूं तो आपको नए विचार, नए अवसर, इन सभी चीज़ को आपकी उन्नति मिल। अरे भाई मान लीजिए आप इंडिया में थे, इंडिया से पढ़ लिख करके आप अमेरिका में नौकरी करने लग जाओगे तो आपके जो विचार हैं, आपका जो व्यवहार है, सारी चीज़ें बदल जाएंगी ना, परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है भाई। ठीक है, दिनचर्या में, रहन सहन में सब बदल। प्रवासन को अक्सर प्राकृतिक घटनाओं के रूप में माने, लेकिन जो प्रवासन यानी जो लोग माइग्रेशन करते हैं एक स्थान से, प्रवासन जो होता है उसको एक प्राकृतिक घटना के रूप में माना जाता है, जिसे लोग अपनी मौद्रिक आय की स्थितियों को सुधारने के लिए अपनाते हैं। यानी करें कि जो प्रवासन होता है या हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पलायन हो रहा भैया, हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी आय को सही कर सकें, यानी रुपया पैसा जो गरीबी और गरीबी उसको ठीक कर सकें, यानी हम अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए क्या करते हैं, प्रवासन करते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं भैया, पलायन करते हैं। इस अवधारणा को समाज इसलिए अपनाता है क्योंकि उक्त देश में असमान जनसंख्या विस्फोट वहाँ के लोग समग्र विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं थे। कह रहे हैं कि इस अवधारणा का मतलब समाज, यानी समाज में माइग्रेशन इसलिए हो रहा, ध्यान सुना क्या कह रहा हूँ, हमारे समाज में माइग्रेशन इसलिए होता है क्योंकि कह रहे हैं कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और भैया जब जनसंख्या लगातार बढ़ती है तो सबके लिए अवसर सही नहीं मिल पाता, तो लोग क्या करते हैं कि स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उनको लगता है भैया हम यहाँ पर रहेंगे तो हमारा विकास नहीं होगा, हम कहीं और चले जाते हैं, तो लोग पलायन करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में वास्तविक प्रवास की पूर्व शांति की पुष्टि करता है, जहां बेरोजगारी की बढ़ती दर के कारण गरीबी, सुरक्षा की भावना की कमी के कारण, अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ भैया जो पलायन हो रहा, दक्षिण एशिया का मतलब समझ लें, बार बार इस चैप्टर में बताया कि भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, ये अफगानिस्तान है, सारे दक्षिण एशिया, ये सारे राज्य इन देशों की बात, ये दक्षिण एशिया का है। ठीक है, तो अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया में पलायन क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, एक तो भैया कि दक्षिण एशिया में एक बड़ा कारण है, अगर मैं बोलूँगा शांति की तलाश में लोग जा रहे हैं, भाई बहुत सारे लोग तो शांति, अरे बांग्लादेश के बहुत सारे लोग भारत में आकर के बस गए 1971 में, बीच में आप सबने सुना म्यांमार के लोग रोहिणिया जो मुसलमान थे वो भारत में आए, और ताज़ा आपने सुना होगा कि दलाई लामा भारत में आकर के उन्होंने, यानी शांति की तलाश में, भैया जब किसी देश में कोई रहता है वो अगर वहाँ पर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है तो क्या करते हैं, दूसरे देश में यानी दक्षिण एशिया में जो पलायन हो रहा है वह शांति के कारण हो रहा है, यानी अगर कहीं पर अशांति मची हुई है, लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसके कारण भी पलायन। दूसरा, दक्षिण एशिया में जो पलायन होता है उसका कारण क्या भैया, गरीबी बहुत बड़ी समस्या है, दक्षिण एशिया में गरीबी कारण है, और सुरक्षा की भावना यानी सिक्योरिटी, अगर किसी को लगता है कि इस देश में मैं सुरक्षित नहीं हूं तो किसी दूसरे देश में जाकर के रहने लग जाता है, ये भी एक बड़ा कारण, नहीं दक्षिण एशिया में जो पलायन और उसके तीन बड़े कारण हैं। हालांकि विकास की रूपरेखा का विस्तार किया गया है जो न केवल एक प्रमुख संकेतक के रूप में आर्थिक कल्याण की पारंपरिक अवधारणा का गठन करता है बल्कि मानव प्रगति के लिए अन्य पहलुओं को शामिल करने के लिए भी स्थान देता है। करें कि अगर हम बात करें, ये जो पलायन होता है क्या करता है, आर्थिक कल्याण की भावना करता है, यानी जब हम पलायन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति जब जाता है तो उसकी आर्थिक कल्याण होता है, भाई रुपया पैसा कमा लेगा, यानी उसकी दिनचर्या कह सकती है जीवन में बदलाव हमें देखने को मिलता है, यानी उसका प्रवास जो पूरी क्षमता को देखेगा। डोरा और स्मिथ विकास को एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें आर्थिक रचनाओं, लोकप्रिय दृष्टिकोणों और राष्ट्रीय संस्थानों या जो राष्ट्रीय संस्थान है में परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक विकास में समृद्धि, असमानता में कमी, गरीबी उन्मूलन सम्मिलित है। यानी कह सकते हैं कि भाई आज अगर बात करें जैसे गरीबी है या असमानता है, ये सभी चीज़ें जो है विकास के कारण इसमें परिवर्तन हो सकता है, और दक्षिण एशिया जैसे विकासशील समाजों में, क्योंकि दक्षिण एशिया के जितने राज्य हैं, देश हैं, उस क्या है, विकासशील हैं, डेवलपिंग कंट्रियाँ हैं, ठीक है, उनमें आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रवास एक अनिवार्य कारक बन गया है। वे दक्षिण एशिया में अगर विकास करना है तो प्रवास करना ही पड़ेगा, एक अपना देश छोड़कर के दूसरे देश में जाकर के पलायन करना पड़ेगा, एक आवश्यक कारक है क्योंकि इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्थाएं पारंपरिक रूप से कृषि पर आधारित हो रही हैं जो अब विकास के चरण में जटिल औद्योगिक आधारित समाज की ओर अग्रसर है। यानी दक्षिण एशिया का जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर डिपेंड करती है, खेती पर है, और जो अब विकास के चरण में अगर अब मौजूदा समय में जो विकास डेवलपमेंट है वह औद्योगिक विकास को ज़्यादा है, फिर भी प्रवास की प्रक्रिया कभी कभी एक
स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए और शांति की इच्छा का कारण होती है, विशेष रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे संघर्षरत देशों में। देखो यहाँ कह रहे हैं कि अगर हम दक्षिण एशिया में जो पलायन हो रहा है उसका मेल बड़ा कारण क्या है कि एक तो भैया है कि दक्षिण एशिया में रीजन क्या है कि दक्षिण एशिया के ज़्यादातर देश क्या है, कृषि प्रधान है, खेती करते हैं और आज के समय में खेती एक घाटे का सौदा बन गया है और औद्योगिक जहाँ समाज है या जहाँ पर इंडस्ट्री लगी लोग वहाँ पर जाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, जा रहे हैं। फिर भी कह सकते हैं दक्षिण एशिया में जो पलायन हो रहा है, कभी कभी जो पलायन होता है, प्रवास जो होता है, वह अच्छे वातावरण के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए, शांति के लिए पलायन होता है। और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में जहाँ पर लगातार संघर्ष बना हुआ है, जहाँ पर नागरिक सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर लोग सुरक्षा के कारणों से भी कह सकते हो कि बड़ी संख्या में हमें पलायन यानी प्रवासन देखने को मिल रहा है। दक्षिण एशिया जैसे पारंपरिक समाजों में समाज की सामाजिक प्रगति आर्थिक आधुनिकरण में मेल नहीं खाती है। उदाहरण के लिए भारत में वैज्ञानिक हस्तक्षेप से HIV बीजों में अविभाज ने देश में कृषि उत्पादों का एक सबसे बड़ा निर्यातक बना दिया है, जो कि पहले आर्थिक मोर्चे पर शुद्ध आयातक नेतृत्व श्रेणी में प्रगति के। अगर हम बात करें जैसे हम देखें तो कुछ जो देश हैं दक्षिण एशिया में प्रगति कर रहे हैं आज, जैसे भारत है भाई, आज हम देखें भारत जो है कि अगर आप देखोगे तो कई सारी चीज़ों में एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी आगे जा रहा है, ठीक है। इसका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आप जो पूछ रहे हैं पेज नंबर 202, ठीक है। यानी दक्षिण एशिया जैसे हम पारंपरिक समाजों में देखें जैसे आर्थिक प्रगति हो रही है, बढ़ रहा, भारत जो अगर देखोगे तो कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, इसे क्या इस ए भी एक पलायन को मदद है। यानी दक्षिण एशिया के जो कुछ देश हैं वो काफ़ी विकसित हो रहे हैं, ये भी एक पलायन का विषय। जैसे मैंने देखो दक्षिण एशिया में क्या भाई, देखो दक्षिण एशिया में अगर हम पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तुमको सबको पता होगा भाई वहाँ पर बहुत आतंकवादी समस्या होती है। अब भाई आतंकवादी देश में कोई रहना थोड़ी चाहेगा, मारकाट मची हुई है, बम पड़ रहे हैं, तो इसमें कौन रहेगा, तो लो ये भी पलायन का एक बहुत बड़ा कारण। दूसरा दक्षिण एशिया में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। दक्षिण एशिया में प्रवासन हो रहा, सिर्फ दक्षिण एशिया में पाकिस्तान अफगानिस्तान तक सीमित मत रहे भैया, भारत में बड़े लेवल पर प्रवासन हो रहा। आज जो भारत के लोग जो पढ़ लिख करके अमेरिका जाकर के नौकरी कर रहे हो, क्या भारत में प्रवासन ही तो हो रहा है, क्यों, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि दक्षिण एशिया के सभी देश जो हैं सारे क्या हैं, विकासशील हैं, ठीक है। तो विकासशील देशों की मैं अगर देखूं तो ज़्यादातर में गरीबी, भारत कौन सा अमीर है, ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी गरीबी पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये भी बड़ा कारण बड़ी संख्या में पलायन। अब चाहे हम बांग्लादेश को ले लो, चाहे श्रीलंका को ले लो, चाहे मालदीव को देखो, ठीक है, ये सभी देशों में एक बड़ा कारण है भाई हो रहा है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि दक्षिण एशिया में जो पलायन है बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, ठीक है, अरे विकास को भी क्या केंद्रित करके कर रहा है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा प्रवासी संबंध यानी प्रवासन के नीति के आयाम, यानी प्रवासन के कौन कौन से आयाम हैं। देखिएगा जैसे हमने ऊपर चर्चा की प्रवासन से संबंधित गतिविधियां एक ऐसी अवधारणा है जो कि न केवल आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण, यानी प्रवासन की जो गतिविधियां होती हैं वह केवल आर्थिक में योगदान नहीं देती हैं बल्कि समाज में, राजनीति में भी, पर्यावरण भी साथ संबंध रखती हैं, इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आर्थिक संभावना प्रवासन के लिए, यानी कहने की सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन होता है, लोग जो एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ बट इसको लिखना मत। जैसे मैंने बोला कि भाई बिहार के लोग जाकर के पंजाब में जाकर के धान काट रहे हैं या गेहूं काट रहे हैं या काम कर रहे हैं, प्रवासन हो रहा है उसके भी। लेकिन उसी प्रकार से जन मतलब कि भारत के लोग भैया IIT में पढ़ करके जाकर के अमेरिका के कैलिफोर्निया में और नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, IT सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का प्रवासन है। यानी प्रवासन जो हो रहा है सबसे बड़ी संख्या में आर्थिक कारण से हो रहा है, भैया रुपया पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, यानी आर्थिक संभावना प्रवासन के लिए एक तंत्र के रूप में काम करें। यानी आर्थिक रूप आर्थिक जो सबसे बड़ा रीजन जो प्रवासन में है भैया वो आर्थिक समस्या है, गरीबी हो सकती है, भुखमरी हो सकती है, खाना पीना नहीं है, या बेहतर भविष्य के लिए भी प्रवासन है, तो यानी आर्थिक संभावना के लिए प्रवास तंत्र है। देखो संपूर्ण दक्षिण एशिया में अर्थव्यवस्था निरंतर चुंबकीय दायरे में है, जहाँ की आबादी को देशों की अंदर या बाहर प्रवासन के लिए, यानी दक्षिण एशिया के जो देश हैं ज़्यादातर
देशों में अगर हम दक्षिण एशिया के देशों को देखें तो वहां की जो अर्थव्यवस्था है बहुत बेहतर नहीं, चुंबकीय है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, जाती रहती है। तो इसलिए दक्षिण एशिया की जो आबादी है, जो लोग हैं, वह अंदर या बाहर प्रवासन को आकर्षित करती है। दक्षिण एशिया के देशों में अगर देखोगे तो कंट्री के अंदर यानी देशों के अंदर भी प्रवासन हो रहा है, पलायन हो रहा है, और देश के बाहर भी पलायन हो रहा है। एग्जाम्पल तौर पर कहूंगा कि भाई पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, उसी प्रकार से मैं कहता हूं जैसे बांग्लादेश का मैंने बोला है कि बांग्लादेश के लोग बेहतर भविष्य के लिए या खान पान के लिए या बेहतर सुख सुविधाओं के लिए भारत आ रहे हैं, उसी प्रकार से कह सकते भैया नेपाल के जो लोग हैं वह करके भारत में खाना बना रहे हैं या चाउमीन बर्गर कुछ भी बना रहे हैं, चौकीदारी करें कुछ भी करें, तो एक प्रकार का ये भी तो पलायन ही हो रहा। यानी कह सकते हो कि जो पलायन है पूरी तरीके से क्या है कि अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक कारण है, बड़ा रीजन है। मानव के स्वभाव में होता है कि लोग बेहतर आवास की तलाश में एक स्थान से दूसरे, करके मानव का तो स्वभाव है, इंसान की फितरत होती है, यानी मानव का स्वभाव ये होता है कि वह बेहतर अवसरों की तलाश में, यानी इंसान सोचता है भैया कि मुझे अच्छे से अच्छे अवसर मिले, इसलिए क्या करता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। इस क्षेत्र की सभी सरकारों ने अपने अपने देशों में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए प्रवास संबंधी अधिनियम को एक प्रमुख रणनीति कह सकते हैं। दक्षिण एशिया के जितने देश हैं भैया बाहर से माइग्रेंट लोग ना आए, पलायन करके ज़्यादातर लोग, इसके लिए यहाँ की सरकारों ने कानून बना रखा है। जैसे आप सबको बताया था, मैंने पढ़ाया था कि भाई जब बांग्लादेश में 1971 में जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ, बांग्लादेश एक राष्ट्र बना, तो उससे पहले बहुत बड़ी संख्या में लोग भारत में आकर के 40 लाख लोग भारत में आ गए थे। अभी तुम सबने सुना होगा रोहिंग्या जो मुस्लिम थे वो भारत में आए थे, जिनका मामला कोर्ट में चला था, म्यांमार से आए थे। तो दक्षिण एशिया के कई सारे देश ऐसे हैं कि हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग आकर के पलायन न करके शरणार्थी रिफ्यूजी ना बन जाए, इसलिए दक्षिण एशिया के कई देशों ने इस पर बाकायदा कानून बना रखे हैं। इंडिया में भी कानून बना हुआ है, ठीक है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश की सरकार ने 1976 में अपने आर्थिक समृद्धि की रणनीति के रूप में अपने नागरिकों के लिए दक्षिण एशिया, पूर्व मध्य और पश्चिमी एशिया की ओर प्रवास करने हेतु प्रोत्साहित किया। लोगों के द्वारा दूसरे देशों में प्रवासन करने में वृद्धि न केवल पहले से जा रहे प्रवासियों के लिए उत्थान का मदद करता है, बल्कि दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था के सुधार में भी अत्यंत प्रभाव डालता है। अगर मैं बात करूँ, आप सबने सुना के भारत के भैया जो भारत की GDP में हमारे देश के जो लोग ना अमेरिका कह लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े देशों में, दूसरे देशों में जाकर के जो नौकरी करते हैं ना, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उनका बड़ा योगदान है, ये सच्चाई है। उसी प्रकार से बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने 1976 में अपने नागरिकों को प्रोत्साहित किया कि तुम जाकर के दूसरे देशों में नौकरी करो, पैसा कमाओ, इसको भी लेकर के हम, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो वो सारी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। बोलिए, देखो ये कह रहे हैं कि 1976 में जैसे उन्होंने बोला कि भाई आर्थिक समृद्धि के लिए बांग्लादेश ने क्या बोला कि अपने नागरिकों को प्रोत्साहित किया कि तुम जाकर के भाई पूर्व मध्य पश्चिम के देशों और दक्षिण एशिया के देशों में क्या करो, नौकरी चाकरी करो, प्रवासन के लिए उन्होंने क्या किया, उनको प्रोत्साहित किया, और दक्षिण एशिया अर्थव्यवस्था में सुधार में भी अत्यंत प्रभाव डाला। यानी दक्षिण एशिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो लोग जाकर के उन देशों के बाहर जाकर के काम कर रहे हैं, वो लोग जो पैसा भेज रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत मदद हो रही है। अगर मैं अगर कहूँ भाई कि हमारे देश के लोग जो पूरी दुनिया में फैले हैं, जहां पर नौकरी चाकरी कर रहे हैं, वो पैसा कहां भेजते हैं, इंडिया में भेजते हैं। आज हमारी GDP में, आज हमारी ग्रोथ में उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो लोग पलायन करके दूसरे में देशों में जाकर के नौकरी चाकरी कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। देखिएगा, जिसे UNDP द्वारा 2019 में रिपोर्ट में देखा जा सकता है, जहां बांग्लादेश 1990 में मानव विकास के स्कोर की तुलना में 60% की सुधार होकर के 0.6232 हो गया है। जब हम इस प्रगति की तुलना आवास की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से करते हैं तो यह दर्शाता है कि देश के GDP में प्रवासियों द्वारा भेजी गई रकम के कारण 12% की वृद्धि हुई है, जो बदले में स्त्री को विकास यानी जो बदले में स्थिर विकास को मदद करे। देखो यह करें कि भाई बांग्लादेश में अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग जो दूसरे देशों में कमा रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, पैसा अपने देश में भेज रहे हैं, उससे कह रहा कि बांग्लादेश की जो GDP है वो बढ़ी है। उसी प्रकार से इंडिया के लिए यानी जो प्रवास हो रहा है, जो माइग्रेशन हो रहा है, वो माइग्रेशन क्या कर रहा है, वो मदद कर रहा है ना। कि भाई जैसे मैं भारत के बारे में इस चीज़ को बोला जाता है कि आज जो हमारे लोग जाकर के दूसरे देशों में काम करें, नौकरी चाकरी करें, पैसा तो देश में, डॉलर तो यहाँ भेज रहे हैं ना, उससे भी क्या GDP बढ़े, ये भी एक बहुत विकास में योगदान देता है।
संपूर्ण क्षेत्र में राष्ट्रों द्वारा प्रवासियों से प्राप्त जो रकम होती, भाई जो प्रवासी हैं, प्रवासी का मतलब जो लोग पलायन करके दूसरी जगह पर नौकरी चाकरी कर रहे हैं, अपना देश छोड़ करके दूसरे जगह हैं, उनके वो जो लोग रकम भेजते हैं, जो धन भेजते हैं, उन लोगों के जीवन में उल्लेखनीय सुधार किया है जो इन रकम को प्राप्त करते हैं। भाई मान लो कोई जा करके अमेरिका में नौकरी कर रहा है और अमेरिका से अपने परिवार के लिए पैसा भेज रहा है, तो उसके घर वालों की जो रहन सहन होगा, जो लाइफस्टाइल होगी वो बदलेगी ना, उनके जीवन में सुधार होगा ना। यह रकम विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में देश के सकल घरेलू उत्पाद में GDP का 7.99% है। अपने सकल घरेलू उत्पाद के इस विस्तार से ने पाकिस्तान की अपनी क्षमता में वास्तविक परिवर्तन में मदद की है। यानी कह रहे हैं कि जो पलायन हो रहा है, उस पलायन में अगर हम देखें तो लोग जो पैसा भेज रहे हैं, जैसे पाकिस्तान की GDP में बाहर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जो लोग पाकिस्तान से निकल करके बाहर के देशों में जाकर के पैसे कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, इंडिया में भी जो बाहर निकलकर लोग डॉलर कमा रहे हैं, बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के लोग जो बाहर जाकर के पैसे कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, और डॉलर क्या है, जब अपने देश में भेज रहे हैं तो उन देशों की GDP बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, मदद है, यानी उन देशों की ग्रोथ में, ठीक है। दक्षिण एशिया में जनसंख्या विस्फोट, बुलबुले और इन नागरिकों को उनकी पूरी क्षमता के साथ अर्थव्यवस्था में आत्मसात करके पूंजी को स्थानांतरित करने की सरकारी क्षमता की कमी ने क्षेत्र ने घरेलू अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव डाला। इस प्रकार जिन क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिक है, वहाँ उन्हें देश में प्रवास करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जहाँ उनके लिए बेहतर रोजगार उपलब्ध करें। कि अगर भैया कि अगर आपके देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ठीक है, अर्थव्यवस्था खराब है, तो वो देश क्या करते हैं, अपने नागरिकों को प्रोत्साहित करते हैं कि भाई दूसरे देश में जाओ, नौकरी करो, चाकरी करो, वहाँ पर काम करो, इसलिए उनको क्या प्रोत्साहित। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में बेरोजगारी 2016 में कितनी थी, मैं यहाँ पर पाकिस्तान में जो बेरोजगारी थी 2016 में 3.79% थी, लेकिन उससे बढ़कर के आज के समय में जो उस समय जो बेरोजगारी है 4.45 हो गई, यानी बेरोजगारी बढ़ रही है ना। अतः इस क्षेत्र की देशों की सरकारें अपने प्रवासी संबंधी नीतियों को सकल अर्थव्यवस्था पर दबाव से मुक्त करने के साथ साथ देश के विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में अपनाया है। पाकिस्तान ने आंतरिक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए औपचारिक चैनलों के माध्यम से प्रवास संबंधी नीतियों को बढ़ाने के लिए श्रम, जनशक्ति, विदेशी संबंध मंत्रालय की स्थापना की है। कि जो भी देश हैं, जिन भी देशों में भैया बेरोजगारी बढ़ रही है या पैसे की समस्या हो, लोग अपने नागरिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उनके नागरिक जाकर के दूसरे देशों में काम कर सकें, कमा सकें या नौकरी रोजगार सक रहे हैं, उन देश लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, इससे उन देशों की मदद हो सकती है, उन देशों की GDP में सुधार हो सकता है। ये भी पलायन में एक बहुत बड़ा कारण है, यानी इसको भी हम विकास से जोड़ सकते हैं। तो इतना अगर आप देखोगे, इतना तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, जिसको आप जब आएगा तो इतना ही लिख दीजिएगा। फिर दक्षिण एशिया में एक बहुत, चाहे भारत की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान, सभी देश क्या कर रहे हैं कि अपने नागरिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई आप उस देश में जाइए, उस देश में जाकर के आप क्या कीजिए, काम कीजिए, और जिन देशों के लोग निकल कर दूसरे देश, जैसे इंडिया का तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल, इंडिया का ही लिखना इसमें, ठीक है, इंडिया का, जैसे भारत का बता रहा हूं कि भारत के बड़ी संख्या में लोग, वैसे भी आप लोग जानते हो दुनिया भर के लोग हमारे क्या है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में, और डॉक्टर और IT सेक्टर में बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं, आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो लोग, जो भारत के लोग हैं बाहर जो काम कर रहे हैं IT सेक्टर में, जितना बड़ा नाम उन्होंने बनाया है, वो लोग जो पैसा कमा रहे हैं, उनको जो सैलरी इतना करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, वो कहा किसको फायदा हो रहा, उसका हमारे देश को फायदा होता, वो लोग वहां से डॉलर भेज रहे हैं और हमारे देश को बढ़ाने में, हमारे देश की GDP में या उसमें बहुत बड़ी मदद हो रही है। यानी इससे भी कह सकते हैं कि जो पलायन है, या हम जिसे कह सकते हैं कि यहां जो प्रवासन है, उससे देश में विकास में भी क्या हो रही है भैया, मदद मिल रही है। ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, देशों में बहुत बड़ा काम हो रहा है, ठीक है, चाहे दक्षिण एशिया का कोई देश हो, सभी देशों में इस प्रकार की मदद हुई है, सभी देश इसमें प्रगति कर रहे हैं, लगातार हमें ये बातें देखने को मिल रही है। तो एक बड़ा रीजन है, जैसे मैंने बोला कि हर देश में ये सारी चीजें हैं। एक चीज इसमें नेक्स्ट और रहेगी, एक पॉइंट शायद छूट गया, मैं बता देता हूं इसमें, ठीक है, एक मिनट देखिएगा। हाँ, ये देखिएगा, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया जो पूछा जा सकता है, राजनीतिक अस्थिरता यानी प्रवासन को बढ़ावा देती है। यानी करें कि जब राजनीतिक अस्थिरता रहती है, यानी प्रवासन किस कारण से बढ़िया बढ़ता है,
अगर मैं बात करूं जो प्रवासन बढ़ता है, जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, जो लोग अपना देश छोड़कर के दूसरे देश में जा करके नौकरी कर रहे हैं, जब राजनीतिक अस्थिर रहती तब एक बड़ा कारण हो सकता है। देखिएगा, दक्षिण एशिया की सीमाओं और गतिशीलता पर कई विद्वानों का बहुत ध्यान गया है और प्रवास के सामाजिक आर्थिक आयामों के बहुत संदर्भ में बहुत कुछ कहा गया। हालांकि इन कारकों के कारण राजनीतिक कारक भी हैं, यानी राजनीतिक कारणों से भी लोग क्या रहे हैं, जो प्रवासन जो पलायन है वह बढ़ रहा है दक्षिण एशिया में, जो दक्षिण एशिया में प्रवास में जन्मे हैं। हालांकि इन कारणों से, ठीक है, इस क्षेत्रों में मजबूत शासन, क्या अगर हम देखें इन क्षेत्रों में मजबूत शासन और अस्थिरता की अप्रत्याशितता ने प्रवास को जन्म दिया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र अंतरजातीय विवादों और क्षेत्रीय देशों के बीच अनसुलझे विवाद के कारण अस्थिर राजनीति तनाव से ग्रसित है। यानी कह रहे हैं कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें हमेशा सीमा विवाद है, आपस में लड़ते रहते हैं और राजनीतिक अस्थिरता है। ये भी क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर माइग्रेशन या जो पलायन उसको बढ़ा रहे हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं छोड़ता और स्वतंत्रता की तलाश में लोग पलायन का निर्णय करते हैं। शत्रुतापूर्ण राजनीतिक माहौल के कारण इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था भी अस्थिर है। द फंड फोर पीस द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नाजुक है, उनमें से अफगानिस्तान में सबसे अधिक अस्थिर एशियाई राज्य जो दुनिया के 7वें स्थान पर है, इसके बाद पाकिस्तान 10वें नंबर पर है। इन राष्ट्रों की नाजुक प्रकृति शिक्षा रोजगार और स्वतंत्रता की कमी की स्थिरता पैदा करती है। इन कारणों से इन क्षेत्रों में पलायन की गति मिल रही। करें कि देखो सुनो, कहा जा रहा है कि भैया कि दक्षिण एशिया में जो पलायन हो रहा है उसका एक बड़ा कारण है राजनीतिक अस्थिरता, यानी पॉलिटिकली राजनीति बहुत अस्थिर है। अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें, जैसे भाई हम देखें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहाँ की राजनीति बहुत ख़राब है, वहाँ पर माहौल बहुत ख़राब है, यहाँ पर सिक्योरिटी सुरक्षा को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दूसरा कह सकते हैं कि उन देशों में माहौल बिल्कुल ख़राब रहता है, या भारत के साथ जैसे सीमा विवाद है, या पाकिस्तान अफगानिस्तान में खुद में टेंशन का माहौल है। तो ये कह रहे हैं कि जब राजनीतिक अस्थिरता रहती है या राजनीति स्थिर नहीं रहती, और देशों में जब अगर हम देखें तो किसी प्रकार की अगर समस्या है तो इन ये राजनीतिक समस्याओं के कारण समस्याएं जो होती है यह भी पलायन होने में बहुत मदद करें। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में लंबे अगर देखोगे आप क्या रहा भाई, वहाँ पर फिर एक तालिबान आ गया है, तालिबान की सरकार आ गई, तो तालिबान कारण क्या हो रहा कि अफगानिस्तान पूरी तरह से अस्थिर है। उसी प्रकार से अगर आप पाकिस्तान में देखो, पाकिस्तान में हमेशा आतंकी गतिविधियां चलती रहती हैं, और पाकिस्तान में जब हमेशा आतंकी गतिविधियां चलेंगी तो पाकिस्तान की जो राजनीति रहेगी अस्थिर रहेगी। कभी कोई प्रधानमंत्री बन रहा, कभी कोई प्रधानमंत्री बन रहा, तो यह राजनीतिक सही नहीं है। इससे भी क्या था कि पाकिस्तान में भी पलायन होगा। यानी कह रहे कि पॉलिटिकली रीजन भी, ठीक है, पलायन में एक बहुत बड़ा कारण है। राजनीतिक अस्थिरता पलायन होने में एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण युद्ध और सशस्त्र संघर्ष की उच्च संभावना होती है। अगर भाई राजनीति जब अस्थिरता रहेगी, ठीक है, इसके कारण क्या होगा कि युद्ध और संघर्ष का संभावना बढ़ेगी। जो शांति और स्थिरता की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में विस्थापित होने की ओर अग्रसर करती है। करें कि अगर देश में राजनीतिक स्थिरता नहीं रहेगी, देश में युद्ध का माहौल बनेगा, और देश में जब संघर्ष रहेगा तो लोग शांति की तलाश में क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित होकर के उन्हें यानी माइग्रेट करने में, या कह सकते हो कि प्रवासन करने में वो क्या करेगी, मदद करती है, उनको अग्रसर करती है। यानी राजनीति भी बहुत बड़ा एक कारण है जिसके कारण कह रहा है कि पलायन हमें देखने को मिला है, कि पॉलिटिकली रीजन भी पलायन में एक बहुत बड़ा कारण है। ये भी एक बड़ा नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता और प्रवासन, ठीक है, सामाजिक गतिशीलता भी एक प्रवासन में बहुत बड़ा कारण है। देखिएगा, बृहद स्तर के विश्लेषक ने अर्थव्यवस्था में प्रवास के महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित किया है, लेकिन जब हम सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन पर इसके प्रभाव के आधार पर सूक्ष्म स्तर पर अवलोकन करते हैं तो तस्वीर अधिक निराशाजनक दिखाई पड़ती है। श्रीलंका में 2010 तक पुरुष समकक्ष की तुलना में अधिक महिलाएं थीं जो अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन हेतु प्रवासित हैं हो गई। प्रवास के नारीकरण के रूप में जाने वाली इस घटना ने महिलाओं को उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह महिलाओं के परिवार के ढांचे में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करता है, महत्वपूर्ण निर्णय लेने और उनके लिए संपत्ति बनाने की अनुमति। शेख मोहम्मद अल मसूद के अनुसार राष्ट्रीय प्रवास और उनके परिणाम पर अध्ययन
से निकाल कर आता है। पुरुष सदस्यता द्वारा प्रवास का निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। करें कि जो प्रवासन हो रहा है, जो माइग्रेशन हो रहा है, उसमें सामाजिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा है, और कह रहे हैं कि जो पलायन हो रहा है उसमें महिलाएं का भी बहुत बड़ा योगदान है। पुरुष जो प्रवास कर रहे हैं उसके निर्णय में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। या जो पुरुष बाहर निकल करके दूसरे देशों में काम कर रहे हैं या नौकरी रोजगार के लिए दूसरे देश में जा रहे हैं, प्रवासन कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत प्रभावित करती है। प्रवास महिला को अपने समकक्ष पुरुष की अनुपस्थिति में निर्णय लेने की अनुमति प्रदान करता है, जिनका महिलाओं की स्वाधीनता पर प्रभाव पड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं घरेलू जीवन की चार दीवारी से बाहर निकल करके सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करें, जो बदले में परिवार की पितृसत्तात्मक प्रतिकृति को बदल देती है। करें कि आज के समय में जो पलायन हो रहा है उसमें महिलाओं का एक बहुत बड़ा, महिलाएं पुरुषों को इस बात को कहती हैं कि वह बाहर निकल करके रोजी रोजगार के लिए और प्रगति के लिए जाके काम करें। इससे कहते हैं कि महिलाओं को एक प्रकार से बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, यानी महिलाओं पुरुषों को क्या कर रही हैं, पुशअप कर रही हैं, उनको बल कह रही हैं कि आप जाकर के किसी और देश में काम करो, नौकरी करो, रोजगार करो। इससे महिलाओं को क्या मिली भी आज़ादी मिल रही है, यानी महिलाएँ क्या कर रही हैं कि पलायन में कारण, यानी कि सामाजिक स्थिति देखें तो महिलाएँ इस बात को पुशअप कर रही कि पलायन हो, यानी पुरुषों को इस बात के लिए विवश कर रही कि आप बाहर निकल करके कहीं और काम कीजिए, यानी ताकि महिलाएं जो हैं जो घरों में रहती हैं या महिलाएं जो घरेलू जीवन की चार दीवारी हैं उससे निकल करके वो उनका परिवेश बदल रहा है, यानी वो परिवार की पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बदलने में मदद कर रही हैं। ठीक है, पूरी तरह से जो अक्सर प्रगतिशील समाज के मूल्यों से मेल खाती हैं, इससे इन प्रवासी महिलाओं को अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पता चलता है। नहीं करेंगे भैया, जब पुरुष जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पलायन करता है तो उसके बीवी बच्चे भी उसके साथ चले जाते हैं, और जब महिलाएं उनके साथ दूसरे देश में या कहीं और जाती हैं तो महिलाओं को स्वतंत्रता मिलती है, आज़ादी मिलती है। इससे महिलाओं के जो अधिकार हैं, उनके मूल्य हैं, उनके बारे में उनको ज़्यादा पता चलता है। लैंगिक रूढ़िवादिता कमज़ोर होती है, जबकि महिलाएँ पारिवारिक संरचना में मुख्यतः रोजी रोटी कमाने के रूप में कार्य करती हैं। विकास केवल मौद्रिक संदर्भ में अधिक प्राप्त करने के लिए केवल नहीं जुड़ा है, बल्कि इस कारण से क्षमता का विस्तार भी करने के लिए अधिक स्वतंत्रता चुनने की अनुमति प्रदान करता है। भूटानी नागरिक अपने प्रवास में अपने देशों की सीमाओं से परे अक्सर आईटी, चिकित्सा, इंजीनियरिंग आदि के संदर्भ में पेशेवर कौशल प्राप्त करने से जुड़ा होता है। प्रवासन की स्वतंत्रता भूटानी नागरिकों और क्षेत्रीय शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों की जाने की अनुमति, करें कि भूटान के जो नागरिक हैं वो लोग जैसे आईटी का क्षेत्र है, ठीक है, जिसे चिकित्सा है, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, ये भूटान के लोग इस प्रकार का कौशल प्राप्त कर रहे हैं, और भूटान के जो नागरिक हैं वह दूसरे देशों में जाकर के क्या कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ठीक है, इससे कह सकते हो कि उन देशों में भूटान में विकास हो रहा है, बदलाव हो रहा है। उच्च शिक्षा में छात्रों के बढ़ते नामांकन का गरीबी को कम करने में और व्यापक खुशी के लिए सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत के पश्चिमी पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में प्रवासन की रणनीति को शामिल करके तेजी से लाभ उठाया है। अस्थिरता पर चलने वाले देश में प्रवासन अपने नागरिकों के जीवन में शांति का माध्यम बन सकता है। भाई अगर पाकिस्तान में अगर हम सुनते हैं कि लगातार वहां पर अशांति बनी हुई, तो पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं भाई, पलायन करके के दूसरे देशों में जा रहे हैं। आप सबने सुना होगा पाकिस्तान के पता नहीं कितने लोग जाकर के भाई दुबई में बस चुके हैं, ठीक है, या पाकिस्तान के लोग बहुत बड़ी संख्या में दुबई और सऊदी अरब में जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इससे पाकिस्तान के नागरिकों का जो जीवन है उसमें शांति बन गई, दूसरा पाकिस्तान को भी इसको बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। ठीक है, इसको भी उसको लाभ में बहुत ज़्यादा मदद, प्रवासन विभिन्न संस्कृतियों को आत्मसात करने और स्वीकार करने में मदद करता है, कि जो पलायन होता है वह विभिन्न संस्कृतियों को अपने साथ ले लेता है और मदद करता है, इसलिए जीवन के रहने सहने के विभिन्न तरीकों में प्रतिसहनशीलता और स्वीकृतता में सुधार करता है। भारत में एक राज्य दूसरे राज्य में आंतरिक प्रवासन से अनादिकाल से समग्र संस्कृति के विकास, और करें कि भारत में अगर देखें तो बहुत लंबे समय से हमारे देश में प्रवासन होता है भाई, पलायन होता है, हमारे देश के अंदर ही बहुत ज़्यादा पलायन होता है। इससे हमारे देश में जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसका विस्तार हो रहा है, उसमें मदद मिलती है। बहु सांस्कृतिक समाजों के पथ पर राष्ट्र को क्या होती है, आगे बढ़ने में, कि हमारा जो देश है उसको बढ़ने में एक प्रकार से मदद मिल रही है।
ठीक है, दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में अगर हम देखें, दक्षिण एशिया पूरे देश में देखोगे तो नागरिक एक एक देश में प्रवास दक्षिण एशिया में बड़े समुदाय के अंदर समस्या सुधार करने में सहायता करते हैं। तो एक कह सकते हैं कि सामाजिक कारण भी क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, कि सामाजिक कारणों से लोग भी पलायन कर रहे हैं और महिलाएँ भी पलायन करने के लिए क्या कर रहे हैं, पुरुषों को विवश करती हैं ताकि महिलाओं को भी स्वतंत्रता और कह सकते हैं कि उनको भी एक खुला जो चार दीवारी के अंदर कहते हैं उनको भी एक चीज़ों में मदद है, यानी महिला के अधिकारों में भी क्या करना जो पलायन है वह मददगार साबित हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट हमारा रहेगा जलवायु परिवर्तन और प्रवासन। भाई जलवायु परिवर्तन के कारण भी जो आज प्रवासन हो रहा है वह भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखिएगा जलवायु परिवर्तन और प्रवासन, देखिएगा जलवायु परिवर्तन समकालीन युग में एक निर्विवादित वास्तविकता है जो पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजातियों के जीवन में काफ़ी हद तक प्रभावित। भाई अगर मान लो जलवायु परिवर्तित होती, क्लाइमेट चेंज होता है, तो व्यक्ति हो चाहे जीव हो, इंसान हो चाहे जानवर हो, सभी के जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। बढ़ते समुद्र, भाई कह रहे हैं कि समुद्र का जल लगातार बढ़ रहा है, पर्वत और तटीय मिट्टी का कटाव, पानी की कमी, ये सारी चीज़ें, मानसून, इसमें परिवर्तन लगातार हो रहा है भैया, ठीक है, गंभीर परिणाम हो रहा है दक्षिण एशिया में। इन क्षेत्रों के राष्ट्र अपने भरण पोषण के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं, हालांकि मानव जाति हस्तक्षेप कारण यह प्रकृति उनकी आजीविका को तबाह करने का मौलिक कारण बनी। करें कि देखो जलवायु परिवर्तन भी प्रवासन का एक बहुत बड़ा कारण है। मान आप सब सुनते होगे ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु बदल रही है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ ना, जैसे तुम गांव में रहते हो, ठीक है, गांव में रहते हो, खेती बाड़ी होती थी तुम्हारे यहाँ पर, ठीक है, खेती में अच्छी खासी फसल आती थी, तो सब लोग खेती में लगे थे, काम करते थे, खेती चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि खेती धीरे 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 खेती होना बंद हो गई, तो क्या करोगे, तुम्हारे घर के लोग क्या करेंगे भाई, उस जगह को छोड़ करके, उस गांव को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे जहां पर खेती अच्छी होती होगी या कोई और नौकरी चाकरी होगी। ठीक है, यानी प्राकृतिक कारण भी पलायन में बहुत बड़े कारण हैं। उसी प्रकार से करें कि भाई दक्षिण एशिया में अगर हम देखें तो लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहा है, समुद्र का जल बढ़ रहा है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, पानी की कमी है दक्षिण एशिया में, पानी नहीं है, मिट्टी का कटाव लगातार हो रहा है। इस कारणों से क्या हो रहा है कि जो खेती है, किसानी है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे क्या कि दक्षिण एशिया में गंभीर परिणाम हो रहे हैं। इस क्षेत्र के राष्ट्र अपने भरण पोषण के लिए, भाई दक्षिण एशिया के ज़्यादातर जो राष्ट्र हैं वह प्रकृति पर ज़्यादा पर निर्भर हैं, प्राकृतिक चीज़ें यहाँ पर, कृषि ज़्यादा है, प्राकृतिक चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर हैं, मानव हस्तक्षेप के कारण यह प्रकृति, जो प्रकृति आज पूरी तरीके से तबाह हो रही है, आपको पता होगा ना, पेड़ कटते चले जा रहे हैं और कुछ बचा नहीं, यानी जो नेचर है पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। इस विनाश ने लोगों को असुरक्षित बना दिया। भाई जब प्रकृति नहीं रहेगी, नेचर नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, असुरक्षित व्यक्ति बनेगा और उनका शोषण किया है, तदनुसार उनकी सरकारों की दया पर छोड़ दिया है, या असुरक्षा की भावना लोगों को दूसरी जगह पर। मान लीजिए अगर आप हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर भैया लोगों को लग रहा है कि यहां पर पानी नहीं होगा, बारिश नहीं होगी और सूखा पड़ेगा, तो लोग क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे ना भाई, जाएंगे भाई ना। मान लो तुम जहाँ पर रहते हो, खेती करते थे, सूखा पड़ गया, कुछ खाने पीने को नहीं, तो क्या हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाओगे ना। यानी जलवायु परिवर्तन भी पलायन में एक बहुत बड़ा कारण है, रीजन बन रहा है भाई, प्रकृति ने प्राकृतिक कारणों से भी पलायन हो रहा है। एक मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, सूखा पड़ेगा, पानी नहीं, बारिश नहीं होगी, या गर्मी लगातार बढ़ती चली जाएगी, खेती कम हो जाएगी, इस कारण से भी क्या है, प्राकृतिक कारणों से भी लगातार पलायन हो रहा है। यानी जलवायु परिवर्तन भी पलायन में एक बहुत बड़ा कारण है, एक बहुत जिम्मेदार है। ठीक है, वही इसको यहाँ पर बताया गया, वही इसको थोड़ा डिटेल में इन्होंने बता रखा है भाई। आज प्रकृति जैसे हम बात, जैसे भाई जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में लगातार देख रहे हो ना, दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता ही चला जा रहा है, देखोगे ना, वो केजरीवाल वो डिबेन चलाए थे भाई, दिल्ली में जब लगातार प्रदूषण बढ़ेगा तो क्या करेंगे, दिल्ली के लोग दिल्ली छोड़ करके गांव की तरफ भागेंगे, सच्चाई है आज के समय में। आज अगर मैं बात करूं जो महानगर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर लगातार क्या हो रहा भाई, प्रदूषण बढ़ रहा है भाई। जब शहरों में लगातार प्रदूषण बढ़ेगा तो शहर जो लोग शहर से वो कहीं दूसरे शहर में चले जाएंगे ना भाई, तो मैं बता रहा हूँ भाई, जब ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, दुनिया भर का प्रदूषण होगा, इससे भी क्या होगा भाई, लोग यानी प्राकृतिक कारण ही तो है, नेचर में चेंज होगा, इससे भी लोग पलायन कर जाते हैं ना। अब मान लीजिए कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी तो उससे भी लोग पलायन कर सकते हैं, ये रीज़न है सारे, यानी प्राकृतिक कारण भी यानी पलायन में, यानी माइग्रेशन में एक बहुत बड़े
पॉइंट हैं, ठीक है, इसको भी समझने की गए, वही मैं आपको समझाने पर आया। इसी आधार पे आप अलग अलग रीजन प्राकृतिक कारण बता करके इसमें पॉइंट में दिखा सकते हो, भाई जलवायु परिवर्तन है, गर्मी बढ़ रही है, या वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, या मिट्टी का कटाव है, खेती कम होना है, इन कारण, ये सारे कारण बता करके इन कारणों से भी क्या होता है कि लोग एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये चीज़ें भी कह सकते हो कि पलायन में बहुत ज़्यादा मददगार हो रही है, यानी प्राकृतिक नेचर भी बहुत बड़ा कारण है, जिससे लगातार आज अगर हम देखें तो दक्षिण एशिया में पलायन जो है वह लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, लगातार पलायन हो रहा है। अगला इसमें जो पॉइंट दिया गया 8.9 क्या है, प्रवासन की चुनौतियां, जो प्रवासन है इसमें किस प्रकार की चुनौतियां हैं। देखो, प्रवासन विकास में योगदान देता है लेकिन यह चुनौती से मुक्त नहीं है। नहीं भाई, प्रवासन जो पलायन होता है इससे तो डेवलपमेंट में मदद मिलती जरूर है लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी खड़ी कर देता है। मूलभूत चुनौतियों में एक सबसे बड़ी है कि देश की आर्थिक चुनौतियों में सुधार के लिए प्रमुख नैतिक रूप में प्रवास संबंधी नीतियों में क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय नीति नियामक ढांचे में प्रवासन विकास से होने के लाभों को नियमित में कमी है। विदेशों से हस्तांतरित किए जाने वाला धन हस्तांतरित उच्च गति, विस्प्रेषित धन का उपयोग के लिए उत्पादकों के अवसर में कमी, वापसी करने वाले प्रवासियों की सहायता के लिए जो पलायन होता है उसे समस्या भी बहुत घड़ी हो जाती है। मान लीजिए, सिंपल सा एग्जाम्पल बात करना, एक एग्जाम्पल बताऊंगा उसे समझ लेना। 1971 में क्या हुआ, ठीक है भाई, तुम सबको पता होगा कि पाकिस्तान पहले दो थे, जो एक पाकिस्तान तो पहले था लेकिन जो बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान पर ही पाकिस्तान के लोगों का कब्जा था। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में क्या हुआ, आंदोलन हुआ और पाकिस्तान उन पर लोगों पर बहुत अत्याचार करता था, ठीक, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर, ठीक है। तो पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के जो लोग थे, बड़ी संख्या में 40-45 लाख लोग क्या होते, भारत में आकर के बस गए थे। तो इससे क्या होगा भाई, किसी देश से बड़ी संख्या में जब पलायन होगा तो दूसरे देश में समस्या नहीं हो जाएगी। मान लीजिए आपके गाँव में आकर के, आपके गाँव में 5,000 लोग रहते हैं, आपके गांव में आकर के 10,000 और लोग रहने लग जाएं, तो आपके गांव वाले लोगों को समस्या होगी कि नहीं होगी। वही कह रहा हूं कि प्रवासन मदद तो करता है डेवलपमेंट में लेकिन चुनौतियां भी बहुत ज्यादा खड़ी कर देता है। अगर मान लो, जैसे सुना होगा ना, डोनाल्ड ट्रंप जब थे अमेरिका में, ट्रंप जब थे वहां पर, ठीक है, तो वहां पर क्या थे, उसने मना कर दिया था ना कि बाहर के लोगों को हम नौकरी नहीं देंगे, वीजा पर बैन लगा दिया था। क्यों लगा दिया भाई, जब अमेरिका में बाहर के लोग जाकर के सारी नौकरी ले लेंगे तो अमेरिका के लोगों को नौकरी नहीं बचेगी ना। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पलायन से चुनौती। मान लीजिए तुम्हारा जो शहर है वहां पर इंडस्ट्री लगी है और जब बाहर के लोग आकर वहां पर नौकरी करेंगे, तुम्हारे लोग क्या करेंगे ना। यानी पलायन से चुनौतियां भी बहुत प्रकार की बढ़ती है, ठीक है, और इससे समस्या बढ़ती है, इससे लाइन ऑर्डर की समस्या, यानी कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था की समस्या बढ़ सकती है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है। पलायन यानी मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति गया, तो जिस स्थान पर आप गए हैं वहां के लोगों के लिए बेरोजगारी बढ़ जाएगी, आपका अगर आपको रोजगार मिलेगा तो। यानी पलायन, प्रवासन जो है वो चुनौतियां भी कई सारी क्या कर देता है, खड़ी कर देता है, प्रॉब्लम भी। जिसे आप सबने सुना गए कि जब भाई म्यांमार जो है वहां पर बहुत सारे रोहिंग्या जो मुस्लिम थे वो क्या भारत में चले आए थे, उनका मामला भी कोर्ट में उठा था ना भाई, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां से आ रहे हैं, प्रॉब्लम है ना भाई, सुरक्षा सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा मामला था। मान लीजिए बड़ी संख्या में अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान से 10 लाख लोग माइग्रेट होकर के, पलायन करके भारत में आए, तो भारत की सुरक्षा के लिए भी एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा ना। यानी पलायन जो, यानी जो प्रवासन होता, कई प्रकार के वो प्रॉब्लम भी खड़ी कर देता है। सिर्फ वो नौकरियां भी कम कर सकता है, बेरोजगारी बढ़ा सकता है, इस इनसे अच्छी सारी चीज़ें पोषण में यानी खान पान में भी कमी हो जाएगी, जब महंगाई बढ़ सकती है इन कारण, यानी जब बड़ी संख्या में किसी एक दूसरे स्थान पर लोग पलायन कर गए, यानी ये चुनौतियां प्रॉब्लम भी, यानी काम तो करता है, डेवलपमेंट तो होता है लेकिन उसके साथ क्या है, इसमें चुनौतियां भी कई सारी हैं। उन्हीं चुनौतियों को यहां पर बताया गया, दक्षिण एशिया में किस प्रकार की चुनौतियों के कारण सारा पलायन का जो यहां पर आपको इशू बताया गया, ठीक है, यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उसी के बाद आपका 10.8.10 आ गया, ठीक है, और उसी के साथ जो चैप्टर नंबर 8 है ये पूरा समाप्त हो गया। इसमें जितना इंपॉर्टेंट था आपको मैंने सारा बता दिया है, पलायन से रिलेटेड इसमें है और ज्यादातर तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है और आपको ज्यादा से ज्यादा मैंने एग्जांपल देकर के समझाए हैं। उन्हीं चीजों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा और ये पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें क्या है क्या नहीं है, और ज्यादा डिटेल में मैंने इसमें सारी चीजें आपको बता दी। इससे पहले की भी क्लास मैंने करवा रखी है, 7 चैप्टर तक मैंने करवा रखे हैं, 8वां है, और अगले क्लास भी मैं आपको बहुत जल्द करवाता हूँ, ठीक है।